हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झींगा रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी एक वेजिटेबल है और इसे मैं बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ। तो चलिए, इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आइए जान लेते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है झींगा। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम झींगा ले ली हूँ। तो चलिए अब इसे काट के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पीछे वाला और पहले वाला जो हिस्सा है वो हम लोग छांट लेंगे। उसके बाद इसका बीचों बीच काट के इसका छिलका निकाल लेंगे। आप चाहे तो बिना काटे ही इसका छिलका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे झींगा का हम छिलका निकाल लेंगे। और सारे छिलका निकालने के बाद अब है इसे काटने की बारी। और फ्रेंड, ये बहुत ही नरम सब्जी है, इसे फ्राई करते समय ही ये गल के क्वांटिटी में बहुत ही कम हो जाता है, तो इसलिए इसका जो साइज है हम लोग मीडियम साइज रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे झींगा को काटेंगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और कढ़ाई में जाके गलेगा भी नहीं। अब इसे हम पानी से क्लीन कर लेंगे। तो सारे झींगा को हम पानी से क्लीन कर लिए हैं। इसके अलावा हम लिए हैं आलू और एक मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं लंबाई में काट ली हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म करके हम उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम आलू को ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और कुछ मिनट फ्राई करने के बाद आलू जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब जो प्याज हम लोग काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और बस थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद जो झींगा हम लोग काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड करके इसे भी कुछ मिनट हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम में रख के इसे इस तरह से ही कुछ मिनट हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते हुए ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद ये जो झींगा है इसे पानी छोड़ेगा और ये जल्दी से बॉयल भी हो जाएगा। तो चलिए, गैस का फ्लेम लो में रख के इसे हम थोड़ा सा कवर करके पका लेते हैं। तो 3 मिनट हम इसे कवर कर लेंगे। 3 मिनट बाद फिर से हम इसे उठा के देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पानी निकला है। और इसी स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम फिर से इसे कवर कर देंगे और पानी सूखने तक इसे पका लेंगे। तो कुछ मिनट पकाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है वो सूख गया है, तो इसमें से जो तेल है वो निकल आया है। तो इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और थोड़ा सा इसे चला के इसे उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे आलू और जो झींगा है वो बॉयल हो गया है अच्छी तरह से, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम में उबालने के लिए छोड़ देंगे। और कुछ मिनट उबालने के बाद गैस को हम लो में कर देंगे और उसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे पॉपी सीड पेस्ट। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड पेस्ट यूज़ की हूँ। तो पॉपी सीड ऐड करने के बाद हम इसे कुछ मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद गैस को ऑफ करके गर्मा गर्म इसे सर्व कर ले। आप इसे राइस या रोटी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी तो है ही। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।